जैसा कि मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं अभी औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के रामबाग घटारो में हूँ और यहाँ पर शिक्षक हमारे साथ सभी हैं। मैं इनकी टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग इनकी हमसे पहले ही आ गए थे, क्योंकि मैं आज इसलिए यहाँ पे आना चाह रहा था कि मैं दिखाना चाह रहा था कि लोग शिक्षक लोग टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं से। तो मैं साढ़े छः पैंतीस में आया और 6:30 में यहाँ पर शिक्षक लोग आ गए थे। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे बिहार में शिक्षा के लेकर के, एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि सब लोग ये कहते हैं कि हमारा घर बहुत दूर है इसलिए हम स्कूल में लेट आते हैं। 6:30 टाइमिंग है, 7 बजे आते हैं, 7:30 आते हैं, 8 बजे तक भी आता है तो चलता है, वो लोग जैसा कहते हैं। यहाँ पर भी जो भी शिक्षक हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक हैं कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो महिला शिक्षक भी हैं वो भी हैं, सबसे मैं परिचय कराऊंगा बारी बारी से। और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग आते कहाँ से हैं, आपकी जो घर की दूरी है कितना दूर है आपके घर से, थोड़ा सा और नज़दीक आ पाइएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है सर। सर आप स्कूल में कहाँ से आते हैं, कितनी दूर आपके घर यहाँ से? ऐसे घर तो मेरा सर यहाँ पे नज़दीक में ही है 2-3 किलोमीटर। अच्छा। लेकिन मैं दाऊदनगर रहता हूँ। अच्छा, अच्छा। और वहीं दाऊदनगर से आता हूँ जो कि यहाँ से 15-16 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ पे 6:30 आने का टाइमिंग है जी, और आप लोग 6:30 पहुँच जाते हैं, आपका घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है दाऊदनगर जहाँ रहते हैं आप जी, कैसे कर पाते हैं? मैंने कि सर हम जो है दृढ़ शक्ति है कि हमको समय से विद्यालय पहुँचना है जी, तो 15 का 20 किलोमीटर भी रहेगा तो समय से आदमी पहुंच जाएगा जी, जी। तो हमें है कि जो है 6:30 टाइम है, तो 6:30 के जो है 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद यही लगभग जो हम लोग जो है पहुंचने का प्रयास में रहते हैं कि 6:30 लगभग हम पहुंच जाए। और सब सर के बारे में बात करता हूं। सर आप इस विद्यालय में 6:30 टाइम से आ जाते हैं, मैंने देखा आपको यहाँ पे, कहाँ से आते हैं आप? अच्छा, तो मेरा घर मात्र 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं सब हम बाल बच्चे परिवार पढ़ाई के चलते दाऊदनगर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ से हम लोग 15-16 किलोमीटर दूर से आते हैं। 15-16 किलोमीटर दूर से आते हैं। आप लोग को भी कठिनाइयाँ होती होगी सर? होती है सर, लेकिन फिर भी हम लोग का काम करना है, समय पर जाना है, बच्चों के बीच पढ़ाई अनुशासन सब रखना है, उसको देखते हुए हम लोग समय से पहले निकल जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे साथ ये हेड सर हैं, हेडमास्टर साहब हैं, सभी लोग का श्रेय है यहाँ पे, लेकिन एक मानिए तो हेड सर होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होता है, सब लोग के साथ मिला करके चलते हैं। सर आप कहाँ से आते हैं? मैं मनोज कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक आदर्श मध्य विद्यालय रामबाग घटारो। मैं भी दाऊदनगर से आता हूँ जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। जब 6:30 या 9 की स्कूल होता है तो मैं आधा घंटा 35 मिनट बिफोर निकलने की कोशिश करता हूँ, ताकि ससमय एकदम आराम से, काहे कि बहुत सारे रास्ता में भी खतरा होते हैं जी जी। तो हम टेंशन क्यों पालें, उससे अच्छा है कि पहले हम रेडी हो जाएं। और समय आज हमारे यहाँ आए हुए 17 में हम यहाँ आए हैं, लगभग 4-4.5 बरस होने जा रहा है जी जी। लेकिन एक दिन भी लेट नहीं हुआ है, मैं गारंटी और दावे। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, ये जो व्यवस्था आप यहाँ पर कर रहे हैं किए हैं बच्चों की, इतनी शिक्षा दे रहे हैं आप लोग, सरकार अलग से पेमेंट आपको नहीं दे रही? अलग से नहीं, अलग से वेतन नहीं मिलता है, बशर्ते खाली दृढ़ निश्चय हो और लगन हो लोगों में, तो पत्थर भी पानी बन सकता है। हम लोग, हम नबी नगर भी रहे हैं सर, यहाँ से कम से कम 72 किलोमीटर दूरी था जी। लेकिन वहाँ भी हम सब समय स्कूल किए हैं, आज तक हमारे 22 बरस नौकरी का हो गया है, कहीं मेरे कॉलम में लाल कलम नहीं लगा है। सर मैं आपका नाम जानना भूल गया, नाम बताइए। नाम अरविंद कुमार हुआ जी। कुमार जी, हमारे साथ और सर हैं। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रसाद मेरा नाम हुआ। सर आप कहाँ से आते हैं सो बताइए, इसलिए कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सर, ये लोग ये कहते हैं कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है 20 किलोमीटर दूर है, हम इसलिए टाइम से नहीं आ पाते हैं सर। जी मेरा घर तो ऐसे नज़दीक ही है सर, लेकिन फिर भी मैं दाऊदनगर पूरे परिवार के साथ रहता हूँ और दाऊदनगर से ही आता हूँ। मेरे पास साधन भी नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षक महोदय जो अरुण जी हैं वे हमारे साथी हैं, एक ही स्कूल के टीचर हम लोग हैं, एक ही बाइक पर दोनों को आते हैं और सर समय हम लोग आते हैं। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर हुसैन है जी। मैं कारा से आता हूँ। इधर से आइए जी, कारा से आते हैं। कितना दूरी है आपका यहाँ से? 8 किलोमीटर दूरी है जी। और मैं साइकिल से आता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ आप देखिएगा, ध्यान लगाइएगा इस पर, साइकिल से चला कर सर आते हैं, इतनी दृढ़ इच्छा है इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए कि साइकिल से चला करके अपने स्कूल आते हैं और टाइम से आते हैं, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता है इनका टाइमिंग, अगर नहीं
तो आप आकर के यहाँ स्कूल में खुद आप देख सकते हैं। क्यों सर? हमारी नियुक्ति हुई है पढ़ाने के लिए सर, तो हम उसमें कोताही क्यों बरते हैं जी। इसलिए मैं संकल्प लेकर समय पर यहाँ आता हूँ और जितना तक मुझे आता है मैं उतना बच्चों को शिक्षा देता हूँ, कोई उसमें कोई कोताही नहीं बरतता। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम ललन यादव है सर। जी सर आप कहाँ से आते हैं? हम महारानी बिहार शमशेर नगर के पास है, 26 किलोमीटर है यहाँ से। 26 किलोमीटर दूर से आते हैं सर आप और टाइम टू टाइम आते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर परेशानियाँ तो होती होगी आप लोगों को भी, क्योंकि इतने दूर से आना है, 6:30 बजे पहुँच जाना है स्कूल में, कैसे कर पाते हैं? रोज आते हैं सर, आदर्श स्कूल है इसलिए टाइम मेंटेन करना पड़ता है। जी जी मैडम जी आप इधर आएंगे, सबके बीच में आप आएंगे, इसलिए कि एक महिला शिक्षक हैं और इनके बारे में जो हमें पता चला है, मैं खुद से नहीं ये खुद बताएंगे। मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। आप कहाँ से पढ़ाने आते हैं यहाँ पे? हम बेलवा ग्राम से पढ़ाने आती हूँ। मेरा कोई प्रबंध नहीं है, बच्चा जॉग में है, मैं पैदल रास्ता चल कर आती हूँ। कितना किलोमीटर दूर है आपका घर? 4 किलोमीटर दूर है। आप समझ सकते हैं एक महिला शिक्षक होकर के पैदल चल करके आती हैं, इनका घर 4 किलोमीटर दूर है और 6:30 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये इन्होंने एक शिक्षा के लिए मिसाल कायम किया है यहाँ के शिक्षक लोगों ने। मैं इनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी शिक्षा व्यवस्था अगर सब जगह हो जाए तो हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं यहाँ की हर चीज़ फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी सुविधाएँ हैं जो मैं अवगत कराना चाहूँगा, और हर स्कूल में ऐसा नहीं कि सब चीज़ इन्हें सरकार ही देती है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ये लोग खुद से करते हैं, है कि नहीं मैडम? हमें शारीरिक शिक्षिका के पद पर स्थापित हूँ, मेरा फिर जो ऑपरेट कराना भी आवश्यक है, इसलिए समय पर मैं आधारित रहती हूँ। आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी एक स्कूल ऐसा है। तो मैं सर मैं चाहूँगा आप लोग अपना अपना क्लास करें, इसलिए कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चे के साथ फिर दिक्कत होगा, और दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो मैं अभी दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी बच्चों का नाखून चेक किया जाता है, सफाई चेक किया जाता है कि बच्चे लोग, हालांकि यहाँ जो ग्रामीण हैं, गांव के बच्चे लोग हैं, और उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था देखी जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक सफाई मंत्री बनाए गए हैं। कौन है भाई आप सफाई मंत्री? कौन आप डेली का ये सिस्टम है आपका क्या? डेली हम लोग नाखून चेक करते हैं। और डेली नाखून चेक करते हैं, डेली काटते भी हैं उन लोग का? हाँ, जिनका बड़ा हुआ होगा उनका काटेंगे आप? हाँ काटेंगे। चलिए अच्छा बात है, क्या बात है। जो नाखून यहाँ पे तो हम लोग पनिश नहीं करते बल्कि उसको काट देते हैं। चलिए एक बात और भी यहाँ पे देखने को मिला कि अगर जो बच्चे नाखून जिनके बड़े हैं तो उनको पनिशमेंट ना देकर के, दंड ना देकर के उन बच्चे को नाखून को काटा जाता है। सबसे बड़ा समस्या ये, अच्छा लगा हमें ये चीज़। और आप देख सकते हैं ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है ये। और ये जो लोग शिक्षक लोग जो ये कहते हैं कि से अभी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था जो है से एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ऐसे ऐसे स्कूल को प्रमोट करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पे सरकार की तरफ से अलग से व्यवस्था नहीं आती है।